चला गया था भलासे बहुत नाराज थे और भल्ला जी चाह रहे थे कि वो घर आ जाए लेकिन उनका ईगो आड़े आ रहा था रमन भी चाहता है कि भल्ला जी बुला ले वो दरवाज़े पे से आकर वापस चला गया उनका ये क्लैश चल रहा था और रिंकी जो है उसने काफ़ी नेगेटिव रोल प्ले किया था इसमें आ, लेकिन फिर हमने जो है ना ये फैसला किया कि नहीं जिस जिस का दिमाग ख़राब होगा रिंकी का रोमी का उसको हम एहसास दिलाएंगे कि ये गलत है तो भला जी ने काफ़ी बातें सुनाई रिंकी को और मैं वो जो है ना बताने के लिए इशिदा के पास आई हूँ अयर हाउस में आजकल वो यहाँ पर ठहरी हुई क्योंकि हमारा घर उसे छोड़ दिया तो मैं उसको ये बताने आती हूँ कि भाई वो भल्ला जी ने रिंकी को काफ़ी बातें सुनाई है लेकिन यहाँ आती हो तो पता लगता है कि वो रूठी हुई बैठी है और रमन उसको पार्टी में ले जाना चाह रहे हैं और वो जाना नहीं चाह रही है तो उसको मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि अपने हस्बैंड को हाथ में रखने के लिए उन्हें रिझाना पड़ता है तू इस मॉडर्न जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है तो तू जो है ना खूब टिप टॉप होकर जा एंजॉय कर और अपने हस्बैंड को खुश रख तो अब वो जो है ना वो पार्टी की तैयारियाँ कर रही है हाँ वो इसीलिए था कि एक्चुअली हुआ ये कि रिंकी एक फ्लैट खरीदना चाह रही थी उसने मदद मांगी आम, रमन से और रमन तैयार हो गया था कि उसके पास जितने पैसे हैं उसको इकट्ठा करके रिंकी को हेल्प करेगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है घर फाइव बेडरूम्स का एक फ्लैट है उसके लिए अच्छी ख़ासी रकम दरकार थी तो रमन राज़ी हो गया था लेकिन फिर बीच में ये हुआ अशोक की सारी चालें हैं एक तरफ तो वो रिंकी को हमारे खिलाफ कर रहा है रमन के ख़िलाफ़ कर रहा है उसका काम यही है फूट डालना आपस में फैमिली मेम्बर्स में तो एक तरफ तो उसने वो आग लगाई और दूसरी तरफ उसने मतलब ये किया कि परम को जना भड़काया और नए नए डेटी पॉलिटिक्स वो चलता रहता है अब परम ने आकर ये किया कि दोबारा अपनी बेटी अनन्या की कस्टडी का इशू उसने रेस किया तो वो चाह रहा है कि अनन्या को ले ले आ, उसने फिर ये डिमांड किया कि अगर वो नहीं हम हम नहीं देते अगर अनन्या की कस्टडी तो उसके बदले में उसको बहुत बड़ी रकम दरकार है तो इसलिए रमन ने फिर रिंकी को पैसे देने से मना कर दिया ये सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई तो आपस में लोगों की लड़ाइयाँ हो गई सबके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और रिंकी की गलती से रमन को गुस्सा आया जब उसको गुस्सा आया तो उसने गुस्से में भला जी से जरा सा जबान चलाई भला जी को गुस्सा आया और वो वो उस पर चिल्लाए और रमन घर छोड़ कर चल दिया अच्छा रमन जी कब तक बात में देखिए अगर ये सारा कुछ मैं बता दूं वैसे तो खैर अब हो गया है हाँ सीन अगर ज्यादा दूर होता तो मैं बिल्कुल कोई क्लू नहीं देती लेकिन हाँ अब शायद आज ही आ जाए एपिसोड बहरहाल इन लोगों की जल्द सुलह होने वाली है So, guys, what do you think will happen now? Share your thoughts in the comments section below and let us know. Hit the like button for this Mohabbatein and subscribe to Telebus for more daily television updates.